नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैभव अवस्थी एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल के बारे में। इसमें सबसे मेन पॉइंट ये याद रखो बच्चों, सी से सेंट्रियोल, सी से सेल डिवीजन। आई रिपीट, सी से सेंट्रियोल, सी से सेल डिवीजन। सेंट्रियोल सेल का वो ऑर्गेनेल है जो सेल डिवीजन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसका बेसिक अगर हम लोग देखें, सो लेट्स से बेटा ये एक सेल है, हर सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस के बाजू में ही सेंट्रोसोम है बेटा, और उस सेंट्रोसोम के अंदर दो रॉड शेप सेंट्रियोल्स होता है। इसको डिटेल में समझने के लिए सेंट्रोसोम को हम लोग बाहर निकालते हैं बेटा। समझो ये एक सेंट्रोसोम है, और इस सेंट्रोसोम के अंदर दो रॉड शेप सेंट्रियोल है और दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। ओके, यानी एक वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल है, जिसको थोड़ा दूर दूर दिखाया बेटा। सो ये याद रखना, दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं बेटा। अब इसमें से ये जो सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल को बाहर निकाल के कट करते हैं, तो इसको जूम किया, जूम करने के बाद इसको यहां से कट करते हैं बीच से। अब जब इसको इस तरह से कट करेंगे बेटा, तो इसके दो टुकड़े हो जाएंगे। ऊपर वाला और नीचे वाला टुकड़ा। अब ये दोनों में से कोई भी एक कट सरफेस, चाहे ये वाला हो या फिर ये वाला हो, कोई भी एक कट सरफेस को अगर जूम करके देखेंगे तो वो पूरा का पूरा कार्टव्हील की तरह नजर आएगा। कार्टव्हील नहीं होता है, एक गाड़ी का जो पहिया होता है, ओके, और उसमें कैसे सारे के सारे स्पोक्स, सारी की सारी लकड़ियां सेंटर में कनेक्टेड होती हैं, ओके, राइट, तो कार्टव्हील की तरह दिखता है। डांसिंग में भी, जिम्नास्टिक्स में भी एक स्टंट है जहां हम लोग यूं घूमते हैं हाथों के बल पे आके, फिर पैर ऊपर से लेके वापस से लैंड करते हैं, उसको बोलते हैं कार्टव्हील करना। ओके, सो कार्टव्हील कैसा है ना कि पूरा का पूरा पहिया, पूरा का पूरा टायर और उसके स्पोक्स। सो अल्टीमेटली इसका कट सरफेस एक कार्टव्हील की तरह नजर आएगा, और वो कार्टव्हील के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं वो देखते हैं बेटा। अब एक्चुअल डायग्राम ड्रॉ करेंगे बेटा। देखते हैं यहां ध्यान से, अब इस डायग्राम में सबसे मेन बात यह है कि सेंटर के आजू बाजू में टोटल 9 पेरिफेरल फाइब्रिल्स, फाइब्रिल्स यानी छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं। तो पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं बेटा अच्छे से। देखो डायग्राम की शुरुआत ऐसे करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टुकड़े बनाना है तुमको, ओके, और उसका सेंटर शेड कर देते हैं। अब इसके बाद इसको क्लोज करो, हर जगह से इसको क्लोज करो बेटा। अब क्लोज करने के बाद कोने कोने में अपने को 9 माइक्रो ट्यूब्यूल्स ड्रॉ करना बेटा। अब उसके लिए तुम क्या करोगे, हर एक माइक्रो ट्यूब्यूल में 3 छोटे छोटे फाइब्रिल्स होते हैं बेटा, उसको ट्रिपलेट बोलते हैं। तो अब क्या करो, मालूम है, 3-3 का जोड़ी बनाओ, 3-3 सर्कल बनाओ, ये 3, फिर ये 3 बेटा,
ओके, अब कहानी ऐसी है कि सेंटर वाला पार्ट है, उसके आजू बाजू में 9 पेरिफेरल माइक्रोटिब्यूल्स है। अब मैंने वो 9 कैसे गिना तो देख लेते बेटा, ये पूरा है ना, इसको एक गिनने का। तो ये एक हुआ बेटा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा बेटा, देन कम्स फिफ्थ, ये सिक्स, सेवन, ये एट और बेटा ये 9। अब हर एक पेरिफेरल फाइब्रिल में, माइक्रोटिब्यूल में तुमको है ना 3 अलग अलग फाइब्रिल दिखेंगे। सो वो 3 कैसे हुए, 1, 2 और 3, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे ट्रिपलेट। क्या बोलना है बेटा इसको, ट्रिपलेट। अब हर एक ट्रिपलेट बाजू वाले ट्रिपलेट से भी कनेक्टेड है, तो उसको कनेक्ट कर दो बेटा। ठीक है, इजी है बेटा, हर एक ट्रिपलेट बाजू वाले ट्रिपलेट से भी कनेक्टेड है। अच्छा, अब इसका और डिटेलिंग में चलते हैं कि जहां समझो ये फोर्थ वाले में हमको 3 ट्रिपलेट दिख रहे हैं, तो ये तीनों ट्रिपलेट का नाम है ए, बी और सी। सो इसको हम लोग बोलेंगे माइक्रोटिब्यूल ए, बी एंड सी। वैसे ये बाजू वाले में भी 3 है, तो इसका भी नाम होगा बेटा ए, बी एंड सी। तो सबका ए, बी एंड सी नाम है। अब कहानी यह है कि जो ये कनेक्शन जो है बेटा, जो एक ट्रिपलेट को दूसरे ट्रिपलेट से कनेक्ट कर रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे ए सी लिंकर, ए सी लिंकर। कुछ कुछ टेक्स्ट बुक में ए सी लिंडर लिखा है, विच आई फील इज अ टाइपिंग मिस्टेक। ए सी लिंकर, क्योंकि ये ए वाले को सी वाले के साथ लिंक कर रहा है, जोड़ रहा है बेटा। अच्छा, इसके अलावा व्हाट यू विल फाइंड इज कनेक्शन यहां अंदर की तरफ भी है। अब ये जो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं ना, जो इसको और इस पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे फुट। ओके, और फिर जो बचा कुचा ये है, जो बीच में मेन स्टार शेप अपीयरेंस दे रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे रेडियल स्पोक्स। मैं इसको डार्क कर रहा हूं बेटा, ये सब रेडियल स्पोक्स है। ओके, अब ना इसका नेमिंग कर लेते हैं बेटा। सो ये 3-3 का जोड़ी जो है, इसको हम लोग बोलेंगे पेरिफेरल। फाइब्रिल, और ये पेरिफेरल फाइब्रिल जो है, इसमें 3-3 माइक्रोटिब्यूल्स है बेटा, जिसका नाम है माइक्रोटिब्यूल ए, माइक्रोटिब्यूल बी और माइक्रोटिब्यूल सी। सो ये पेरिफेरल हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फिर एकदम बीच वाला जो हिस्सा है बेटा, उसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रल हब। फिर ये जो कोने कोने का हिस्सा है, ओके, इसको हम लोग बोलेंगे रेडियल स्पोक। फिर जैसा कि मैंने बोला, ए और सी को कनेक्ट करने वाला जो पार्ट है, उसको हम लोग बोलेंगे ए सी लिंकर। सो दैट इज कॉल्ड एज ए सी लिंकर। और ये जो अंदर की तरफ पार्ट आ रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे फुट। अब ये एक्चुअली इस वाले कट सरफेस का जूम्ड अपीयरेंस है, यानी अब तुम्हें इसको मन में इमेजिन करो बेटा कि ये जो 9 पेरिफेरल फाइब्रिल्स हैं, ओके, और हर एक में 3 छोटे छोटे फाइबर्स हैं। सो इट इज एज गुड एज, समझो मेरे पास ये 3 बाहर निकालता हूं, मेरे पास 3 पेंसिल है बेटा, तो ये 3 पेंसिल हो गई, 1, 2
तीन, ये तीन पेंसिल हो गए। इसके बाजू में और तीन पेंसिल है, इसके बाजू में और तीन पेंसिल, ऐसे कर करके नौ मेरे पास पेरिफेरल पेंसिल का बंडल है बेटा, और हर बंडल में तीन पेंसिल है। यानी मैं तुमसे अब क्या कह रहा हूं कि जब तुम कट सरफेस को, यानी एक सेंट्रियोल को यूं काटा हमने तो ये खुल गया, खुलने के बाद इसको हटाओ, ये जो सरफेस है कट सरफेस, इसको ऊपर से देखेगा ना तो ऐसा दिखेगा, जहां मेरे को ऐसा तीन तीन सर्कल नजर आएंगे, तीन तीन, ओके, स्टार शेप में, कार्टव्हील की तरह। बट जब मैं सेंट्रियोल को जोड़ता हूं और मुझे इमेजिन करना है कि साइड व्यू में लंबाई के अनुसार देखूंगा तो कैसा नजर आएगा, तीन पेंसिल पूरा ऐसा नीचे तक जाएगा, यहां का तीन पेंसिल पूरा नीचे तक जाएगा, यहां का तीन पेंसिल पूरा का पूरा नीचे तक जाएगा, यानी तीन पेंसिल, पेंसिल यानी क्या, माइक्रो ट्यूब्यूल बेटा, ओके। सो ये तीनों फाइब्रिल नीचे तक जाएंगे ऐसे, और ये आपस में भी कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग फाइबर्स, ये हमको अच्छे से याद रखना बेटा, ओके फाइन। सो ये है बेसिक डायग्राम। अब इसका डिटेलिंग जो थियरी पॉइंट है वो हम लोग इस तरफ कवर कर लेते हैं। सो पहला पॉइंट तुमने क्या देखा, न्यूक्लियस के नजदीक सेंट्रोसोम होता है। सो पॉइंट नंबर वन, सेंट्रोसोम इज प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। And it is present in animal cells, huh, beta? Okay, centriole or centrosome, it is present in animal cell. अच्छा, दूसरी बात ये याद रखना कि सेंट्रोजोम के अंदर सेंट्रियोल है। ये कैसी बात हो गई बेटा, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है, वैसी वाली कहानी है ये, ओके। सो सेंट्रोजोम इज प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस इन एनिमल सेल, दैट इज अवर फर्स्ट पॉइंट। Second point, it contains two centrioles inside it. देखो बहुत easy है, जो सिखाया वही लिख रहा हूं। So उसके अंदर दो centriole होता है बेटा। Next, दोनों centriole they are arranged at right angle to each other. So ये देखो ना, ये सेंट्रियोल ऐसा है खड़ा खड़ा, और ये सेंट्रियोल ऐसा है बेटा, सो बोथ आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो वी विल राइट डाउन बोथ सेंट्रियोल्स आर प्लेस्ड एट राइट एंगल or you can say they are placed at perpendicular position to each other. Next, हर एक centriole के आजू बाजू में यहां पर okay, यानी यहां पर इधर आजू बाजू में okay, इसके आजू बाजू में amorphous pericentriolar material होता है। पेरी मतलब पेरीफेरी, यानी आजू बाजू में। सो यहां हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ईच सेंट्रियोल इज सराउंडेड बाय amorphous पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल। नेक्स्ट, ईच सेंट्रियोल हैज एन ऑर्गेनाइजेशन centriole has an organization like a cartwheel. अब ये ना कुछ important points हो जाते हैं, मैं यहां लिख देता हूं।
कि एमसीक्यू में पूछा ना कि कौन सा स्ट्रक्चर कार्टव्हील की तरह नजर आता है, तो उसका आंसर है सेंट्रियोल। एमसीक्यू में अगर पूछा कि कौन सा स्ट्रक्चर ओर्स की तरह काम करता है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था बेटा, वो नाव चलाने के लिए चप्पू नहीं आता है, ओके, वो लकड़े का प्लाई जैसा आता है जिसको हम ढकेलते हैं पीछे तो बोट आगे की तरफ जाती है, सो ओर्स की तरह क्या है, तो उसका आंसर सीलिया। ये बहुत क्लासिक वर्ड है बेटा, ओके, कार्टव्हील इज सेंट्रियोल एंड ओर्स इज सीलिया। सो ईच सेंट्रियोल हैज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक अ कार्टव्हील। अब इस कार्टव्हील में क्या दिखता है हमको, सो इट कंसिस्ट ऑफ 9 पेरिफेरल फाइब्रिल्स, इट इज कंसिस्टिंग ऑफ 9 पेरिफेरल फाइब्रिल्स मेड अप ऑफ माइक्रोटिब्यूल्स, ओके, कैसे 9, हमने यहां काउंटिंग में देखा है, देखो 1 मतलब ये पूरा एक है बेटा, फिर ये पूरा दूसरा, तीसरा, चौथा, द फिफ्थ वन, सिक्स्थ वन, सेवेंथ, एट एंड 9, सो इट इज कंसिस्टिंग ऑफ 9 पेरिफेरल फाइब्रिल्स, फाइब्रिल्स यानी स्मॉल स्मॉल फाइबर्स बेटा, ओके, फिर हर एक फाइब्रिल के अंदर देखा मैंने तो तीन तीन मिला, जैसे फोर्थ वाले के अंदर देखा तो ए बी और सी तीन है बेटा, सो हम लोग लिखेंगे ईच पेरिफेरल फाइब्रिल is a triplet, each peripheral fibril is a triplet and contains A, B and C microtubules। अब एक बहुत ही जरूरी बात यह है triplet, तो यहां पे जो पेरिफेरल वाले फाइब्रिल्स है ना वो ट्रिपलेट है, तीन तीन का जोड़ी है बेटा। अब एमसीक्यू पे वापस आते हैं, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था पेरिफेरल फाइब्रिल इज अ डबलेट, किसमें होता है, तो वो होता है सीलिया में और वो होता है फ्लैजेला में, ओके, और पेरिफेरल फाइब्रिल इज अ ट्रिपलेट अगर बोला, ये लिख देते इसके नीचे, तो ये होता है सेंट्रियोल में। ये सब बहुत क्लासिक वर्ड है बेटा। अच्छा, फिर सीलिया और फ्लैजेला में हम लोग ने क्या देखा था, सीलिया और फ्लैजेला में हम लोग ने देखा था 9+2 अरेंजमेंट था, दैट वाज इन सीलिया एंड फ्लैजेला, ओके, और इस सेंट्रियोल को अगर हम लोग बोले तो यहां हम लोग क्या देख रहे हैं, 9+0 अरेंजमेंट, को 9+0 अरेंजमेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कोने कोने में 9 पेरिफेरल फाइब्रिल्स है और बीच में कुछ नहीं है, बीच में कोई फाइब्रिल नहीं है। सीलिया और फ्लैजेला में कैसे था, पेरिफेरल में 9 फाइब्रिल्स थे और बीच में भी 2 थे बेटा, ओके, इसलिए उस अरेंजमेंट को बोलते थे 9+2 और इसको हम लोग बोलते हैं 9 आजू बाजू में प्लस 0 क्योंकि बीच में कोई फाइब्रिल नहीं है। अब इसका एक रूल याद रखो, जहां है गोल सेंट्रियोल, कवि अवस्थी इस पंक्ति में इस कविता में क्या कहना चाहते हैं, हिंदी मराठी में पढ़े हो ना ये सब डिटेल, ओके, वैसे बायोलॉजी में अब इसको इस पोयम की तरह याद रखो, जहां है गोल वो है सेंट्रियोल, सो जहां 9+0 गोल यानी 0 ना, जहां 9+0 अरेंजमेंट आया उसका आंसर होगा सेंट्रियोल, और जहां है 2 आंसर है 2, तो जहां 9+2 अरेंजमेंट आएगा, जहां है 2 आंसर है 2, ओके, उसका आंसर होगा सीलिया और फ्लैजेला, ये समझा बेटा, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। लिया बेटा, ऑल राइट, अब मैं ये सेक्शन रब कर देता हूं, डायग्राम रहने देता हूं, आगे के पार्ट में काम आएगा।
और ये एक याद रखने का कि सेंट्रियोल इज प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल्स, इट इज एब्सेंट इन प्लांट सेल्स बेटा. ओके, अब ये जो 9 पेरिफेरल फाइब्रिल्स है जो माइक्रोटिब्यूल्स के बने हैं बेटा, ओके, उसके अंदर जो प्रोटीन है ना, पेरिफेरल फाइब्रिल्स जिसको हम लोग माइक्रोटिब्यूल्स बोल रहे हैं, ओके, और उसका नाम दिया है माइक्रोटिब्यूल ए बी एंड सी. ओके, सो दीज पेरिफेरल फाइब्रिल्स आर मेड अप ऑफ टिब्यूलिन प्रोटीन. उसके प्रोटीन का नाम पूछा तो टिब्यूलिन. यानी देख बेटा एकदम इजी लैंग्वेज में इसको तू पेरिफेरल फाइब्रिल्स भी बोल सकता है. पेरिफेरल क्यों बोला? क्योंकि कोने कोने में. और फाइब्रिल्स क्यों बोल रहे? क्योंकि पतला पतला फाइबर्स है, धागा है. और इसी के अंदर 3 माइक्रो टिब्यूल्स है. माइक्रो यानी छोटा और टिब्यूल्स यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. सो पेरिफेरल फाइब्रिल्स को ही माइक्रोटिब्यूल्स बोलो चलेगा बेटा. बट उसका प्रोटीन कौन सा है, वो किस किस्म के प्रोटीन का बना है, सो वो टिब्यूलिन नाम के प्रोटीन का बना है, ये याद रखो. नेक्स्ट, एडजेसेंट ट्रिपलेट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर by AC linker. तो यहां का C वाला यहां के A वाले से कनेक्टेड है इसके थ्रू, उसको हम बोलते हैं AC linker. कुछ कुछ टेक्स्टबुक में यहां K के बदले D लिखा है, लिंडर लिखा है, बट एक्चुअली वो K होना चाहिए, AC linker. नेक्स्ट, द सेंट्रल पार्ट of proximal region of centriole is also proteinaceous. यानी proximal यानी नजदीक वाला हिस्सा, सेंट्रियोल के प्रोक्सिमल वाले हिस्से का बीच वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट. तो ये वाला पार्ट भी प्रोटीन का ही बना है और इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल हब. सो द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रोक्सिमल रीजन ऑफ सेंट्रियोल इज ऑल्सो प्रोटीनेशियस एंड इज नोन एज हब. अब ये भी एमसीक्यू में आ सकता है कि हब किस में होता है, तो सेंट्रियोल में होता है, उसका बीच वाला हिस्सा है बेटा. नेक्स्ट, द हब इज कनेक्टेड टू द पेरिफेरल, द हब इज कनेक्टेड टू द पेरिफेरल ट्रिपलेट बाय रेडियल स्पोक्स. अब ये तो बहुत आसान सी बात हो गई. स्पोक्स क्या होता है? किसी भी गाड़ी में जो टायर है, समझो ये टायर है बेटा, ओके, ये उसका बीच वाला हिस्सा है. सो जो तार उसको बीच वाले हिस्से के साथ जोड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पोक्स ऑफ द व्हील. बराबर है? वैसे ही ये बीच वाला हिस्सा हब है और ये उसके कोने कोने वाले पार्ट है बेटा, पेरिफेरल ट्रिपलेट है. अब इसको और इसको कौन जोड़ रहे हैं? ये वाला पार्ट, ये लंबा वाला पार्ट बेटा, ठीक है, और ये लंबा वाला पार्ट ऐसे खत्म हो रहा है ना, दिख रहा है ना तेरे को, काजू कतली ये सब खाने का नहीं है, ध्यान देने का बेटा, खाने का नाम लिया नहीं कि मन भटकता है. ओके, तो ये लंबा वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बेटा, तो ये सब बीच वाले हिस्से को कोने की तरफ जोड़ रहा है बेटा, तो इसको हम लोग बोलेंगे रेडियल स्पोक. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज रेडियल स्पोक, ये याद रखना. चलो आखिरी पॉइंट, फंक्शंस. सेंट्रियोल्स किस काम आता है बेटा? तो फंक्शंस में दो बात याद रखना है. नंबर वन, इट फॉर्म्स स्पिंडल फाइबर्स
और यू कैन से स्पिंडल अपैरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन. अब सेल डिवीजन में हमने देखा है कि जो भी क्रोमोसोम सेंटर में है उस क्रोमोसोम को ऊपर से और नीचे की तरफ से सेंट्रियोल्स बहुत सारे फाइबर्स रिलीज करता है और इस फाइबर्स को स्पिंडल फाइबर्स बोलते हैं क्योंकि इसका शेप देखो, इसका शेप ऐसा आ रहा है स्पिंडल शेप, यानी बीच से मोटा है और दोनों एंड से पतला है. इट इज ब्रॉड एट द सेंटर एंड इट इज नैरो टुवर्ड्स आइदर एंड. सेल डिवीजन के चैप्टर में ये डिटेल में करवाया है मैंने बेटा, ओके कि सेल डिवीजन में कैसा होता है ना, सारे क्रोमोसोम्स बीच में आ जाते हैं, फिर ये सेंट्रियोल्स अपना फाइबर छोड़ता है, ये सेंट्रियोल्स अपना फाइबर छोड़ता है और क्रोमोसोम्स को खींचता है ताकि आधा क्रोमोसोम इधर आ जाए आधा इधर आ जाए. अब एक सेल जब दो हिस्सों में बटेगा, दो हिस्सों में डिवाइड होगा, तो अंदर का क्रोमोसोम भी आधा आधा होना चाहिए ना. सो क्रोमोसोम्स को आधा आधा करने के लिए सेंट्रियोल्स काम आते हैं और सेंट्रियोल्स ये जो फाइबर्स छोड़ते हैं ना उसको स्पिंडल फाइबर्स बोलते हैं, उसको स्पिंडल अपैरेटस भी बोल सकते हो बेटा, ओके. जिसके अंदर माइक्रोटिब्यूल्स है और माइक्रोटिब्यूल्स ट्यूब्यूलिन नाम के प्रोटीन्स के बने होते हैं बेटा. सो बेसिकली सी से सेंट्रियोल, सी से सेल डिवीजन, सी से सेंट्रियोल, सी से सेल डिवीजन. दूसरी बात, सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल, यहां लिख देते हैं बेटा, इट इज एब्सेंट इन प्लांट सेल्स. इसलिए प्लांट सेल में जो सेल डिवीजन होता है उसको एसेंट्रिक सेल डिवीजन बोलते हैं, ओके. सो प्लांट सेल में जो सेल डिवीजन होगा उसको हम लोग बोलेंगे एसेंट्रिक सेल डिवीजन, क्योंकि वहां बिना सेंट्रियोल की मदद से होता है. और एनिमल सेल में जो सेल डिवीजन होता है उसको सेंट्रिक सेल डिवीजन बोलते हैं बेटा. एनीवे ऑफ सेल डिवीजन के चैप्टर में देख लो, डिटेल में डिस्कस किया गया बेटा. सो इट फॉर्म्स स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ये उसका पहला काम है. दूसरा काम, इट फॉर्म्स बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला. अब सीलिया और फ्लैजेला क्या है, दोनों भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ओके. तो समझो फॉर एग्जांपल ये सीलिया है और ये सेल मेम्ब्रेन है. तो सीलिया और फ्लैजेला जिस पार्ट से निकलते हैं, समझो इस डॉट से निकला, इसको बोलते हैं बेसल बॉडी. और ये बेसल बॉडी को पैदा कौन कर रहा है, सेंट्रियोल. सो रिमेंबर सेंट्रियोल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग द बेसल बॉडी, जिसमें से सीलिया भी निकलता है और फ्लैजेला भी निकलता है. एंड बोथ सीलिया एंड फ्लैजेला आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट, ओके. सो बैक्टीरियल सेल्स के मूवमेंट में सीलिया और फ्लैजेला काम आते हैं. और ये सीलिया और फ्लैजेला जिस जड़ से निकलते हैं उसको बेसल बॉडी बोलते हैं. और इस जड़ को पैदा कौन कर रहा है, सेंट्रियोल, ओके. चलो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग. ओके सो बच्चों दैट वाज ऑल अबाउट सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल. इसमें मेन बात में ये याद रखना कि सेंट्रियोल इज प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल, इट इज एब्सेंट इन प्लांट सेल. दूसरी बात, सेंट्रियोल लुक्स लाइक अ कार्टविल. तीसरी बात, ओर्स की तरह कौन दिखता है, सीलिया दिखता है. सीलिया और फ्लैजेला में 9+2 अरेंजमेंट, सो जहां है दो वर्ड्स भी दो, यानी सीलिया और फ्लैजेला. और अपना सेंट्रियोल में कैसा है, 9+0 अरेंजमेंट, सो जहां है गोल सेंट्रियोल, राइट. सो मैं उम्मीद करता हूं तुमको सारे के सारे बेसिक पॉइंट समझे हैं. इसके तुम नोट्स बनाओ, ओके. डायग्राम भी एक बार प्रैक्टिस कर लो, अच्छे से तुमको याद रहेगा. टिल देन स्टे कनेक्टेड टू दिस वंडरफुल चैनल, कीप रीडिंग एंड कीप रॉकिंग. थैंक यू, नमस्ते बच्चों.